दोस्तों गुड मॉर्निंग। YouTube ने हद कर दिया यार, अपडेट पे अपडेट, अपडेट पे अपडेट, अपडेट पे अपडेट, सोने नहीं दे रहा, रातों की नींद हराम कर रखी है। जब देखो खुद ना सो रहा है ना दूसरे को सुन रहे, क्या करें। YouTube भी खुद परेशान है, आप लोग सोच रहे हो क्रिएटर परेशान है केवल, नहीं, YouTube खुद उसकी नींद हराम हो चुकी है, क्योंकि TikTok ने ऐसा कर दिया है सब कि YouTube सो ही नहीं पा रहा है टेंशन के मारे, क्या ऐसा अपडेट ला दें कि हम आगे निकल जाएं। तो इसलिए आइए एक अपडेट और आज आया है YouTube की तरफ से, अनाउंसमेंट, एक बड़ा अनाउंसमेंट है जो कि बहुत मोस्ट डिमांडेड था, बहुत लोगों से, बहुत यूट्यूबर्स का डिमांड किया जा रहा था कि शॉर्ट्स को अलग कर दिया जाए। और फाइनली शॉर्ट्स को, लॉन्ग को और लाइव स्ट्रीम को, तीनों को अलग कर दिया गया है यूट्यूब पे। यानी यूट्यूब पे अब आपको तीन टैब्स देखने को मिलेंगे, लॉन्ग वीडियोस, शॉर्ट्स वीडियोस और लाइव स्ट्रीम। यहां पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, जो मेन होम पेज होगा वो एक ही होगा और शॉर्ट्स फीड में शॉर्ट्स आएगा ही आएगा, वहां पे कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, जैसे होम पेज था वैसे ही आएगा। लेकिन जो चेंजेस किया जा रहा है वो क्रिएटर, जैसे क्रिएटर किसी क्रिएटर के चैनल पे आप विजिट करते थे तो उस चैनल पे क्या होता था, जैसे वो लॉन्ग वीडियो अपलोड किया उसके बाद एक शॉर्ट कर दिया, फिर लॉन्ग, फिर शॉर्ट, शॉर्ट, शॉर्ट डाल रहा है, तो मिक्सिंग होता था, अच्छा दिखता नहीं था। मतलब एक ही जगह पे वीडियो सेक्शन में लॉन्ग, शॉर्ट सब दिखते थे। अब इस चीज को यूट्यूब अलग कर दिया, कह रहा है कि अब किसी भी चैनल पे आप जाएंगे तो लॉन्ग वीडियो के लिए अलग आपको टैब मिलेगा, उसमें सिर्फ और सिर्फ लॉन्गर वीडियोज रहेंगे। अगर कोई भी एक्सेस करेगा वहां लॉन्गर वीडियो, सिर्फ लॉन्गर वीडियोज, वहां पे कहीं भी कोई शॉर्ट वीडियोज नहीं आएंगे और ना ही लाइव स्ट्रीम वाले कंटेंट आएंगे। इवन वॉच करने के दौरान भी जो वॉच होगा वो लॉन्ग वीडियो के होम पेज पे वॉच होगा, जब आप वॉच कर रहे हो आसपास सारे लॉन्ग वीडियोज होंगे, शॉर्ट्स का मिक्सिंग बिल्कुल नहीं होगा वहां पे। दूसरी चीज, अगर आप शॉर्ट्स टैब में जाते हैं किसी क्रिएटर के चैनल पे, लॉन्ग वीडियो के बाद शॉर्ट्स टैब रहेगा, शॉर्ट्स टैब में जाएंगे सिर्फ उसके शॉर्ट्स टैब दिखेंगे, और अगर आप शॉर्ट्स क्लिक करेंगे तो आपको बगल में अगल में कहीं पे भी लॉन्गर वीडियोस नहीं आएंगे। यानी इसको टोटली सेपरेट कर दिया जा रहा है। लेकिन याद रखिएगा, होम पेज पे मिक्सिंग होगा, होम पेज में जैसे शॉर्ट फीड आता है ना वहां पर रहेगा, अगर आप जो कर रहे हैं वो वहां पे होगा वो चीजें, लेकिन अलग अलग इस मायने से कर दिया गया है। यानी आप सर्च करना चाहेंगे तो क्रिएटर के शॉर्ट वीडियो में भी शॉर्ट कर सर्च कर सकते हैं, लॉन्ग वीडियो में भी कर पाएंगे, ये आपको एक फैसिलिटी हो जाएगा। साथ साथ एक ऑड जो लगता था ना चैनल का लुक, वो नहीं होगा। उससे बहुत से लोग परेशान थे कि अरे ऑड लग रहा है ये, एक ही चैनल पे शॉर्ट लॉन्ग, और शॉर्ट लॉन्ग परफॉर्म अलग अलग करते थे। सबसे बड़ी चीज़ है कि लॉन्ग चल रहा है तो जरूरी नहीं है कि शॉर्ट चलता है उसका, तो वो बहुत, और एल्गोरिथम भी दोनों का अलग है, ठीक है। तो इस हिसाब से ये जरूरी था करना, और YouTube ने फाइनली इसे कर दिया कि दोनों अलग हो गए। और अलग होने के बाद आप आराम से अब इस तरीके से, अब मुझे नहीं लगता कि आपको शॉर्ट्स के लिए अलग चैनल बनाने की जरूरत होगी। हाँ, बहुत से लोग कंफ्यूज होंगे क्या शॉर्ट्स के लिए जो मोनेटाइजेशन अलग, वो भी अलग किया जा रहा है क्या। नहीं, मेरा मोनेटाइजेशन क्राइटेरिया एक ही है, YPP क्राइटेरिया एक ही है, चाहे आप लॉन्ग वीडियो में 4 घंटे पूरे करके इंटर कर जाएं, आपके शॉर्ट्स भी मोनेटाइज होंगे। आप चाहे शॉर्ट्स वीडियो में अपने 10 मिलियन कंप्लीट करके चले जाएं 3 महीने में, तो आपके लॉन्ग और शॉर्ट्स दोनों मोनेटाइज होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और अपडेट एंजॉय कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय।